भाई क्या स्पेनिश बोल रहे हैं फटाफट फटाफट ऑपरेट कर दोगे मुझे गोरखपुर का लौंडा है। वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये मैक्सिको का सबसे पुअर एरियाज में से भी एक है। भाई ये बंदे क्या कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट से ना रॉकेट जला रहे थे, हाथ में पकड़ के सीधा छोड़ दे रहे थे। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और भाई एक और नई कंट्री, पिछले काफी दिनों से सेंट्रल अमेरिका में घूम रहा था और भाई कल फाइनली मेरा सेंट्रल अमेरिका की जो ट्रिप थी वो फिनिश हो चुकी थी। कल मैं मेक्सिको के अंदर एंटर कर गया था और सुबह सुबह फिर मैं बस पकड़ के पहुंच गया था वाया दोलित। तो अभी जिस शहर में हूँ, ये जो रंगीन रंगीन गलियाँ दिख रही हैं आपको, एक तरफ लाल एक तरफ पीली, सबसे पहले मैं एक बार आपको मेरा हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो ये है भाई मेरा हॉस्टल एक्सचल ये, और इस हॉस्टल में मैं पहुंचा था कल रात को। वैसे मैक्सिको के अंदर मेरी एंट्री परसों रात को ही हो गई थी, वो आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन कल मैं बस पकड़ के बॉर्डर से जो चेतुमल टाउन है वहाँ से यहाँ पे आया। ये मेरा बेड है, नीचे मेन वाला बेड, और इधर थोड़ी मोड़ी कॉफ़ी सुबह सुबह पी के आया था मैं, ये रखी हुई है। पता नहीं यार जुकाम सा हो गया मेरे को कल रात को, है ना, जो साथ में एक और बंदी है मेरे, उन्होंने ना एसी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया था। वैसे ही मैं अपने जो कैलाश भाई उनसे भी मिला था, लेकिन कैलाश भाई अभी निकल चुके हैं यहाँ से, तो कैलाश भाई से मैं मिलवा था आपको, लेकिन एक बार एक वीडियो बनाई थी मैंने उनके साथ थोड़ी सी, लेकिन यार वो है ना बॉर्डर से यहाँ तक आने वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत उपहार डाला, लेकिन वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, मेरा मन नहीं कर रहा था यार, वो ज़बरदस्ती टाइप वाली वीडियो थी, मैं छोड़ो यार फिर। तो आज एक हिसाब से मेरा मैक्सिको के अंदर पहला दिन है, मैं लॉक करके आ जाता हूँ एक बार, रुकिए रूम को लॉक नहीं किया मैंने। तो बाकी इस हॉस्टल के लिए भाई मैं पे कर रहा हूँ 500 रुपीज़ पर नाइट, और मैक्सिको के लिए ना सच में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ मुझे दिखी कि यार जो कल्चर आपको सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है ना, उनसे ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी जिस टाउन में हूँ, ये जो वायदोलित ये पड़ती है भाई युकातान रीजन में, जो मैक्सिको का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक रीजन है, जहाँ पर आपको अलग अलग रुइंस मिलेंगी, माया रुइंस जो आपने ग्वाटेमाला वाली वीडियो में देखी थी, और उनके बारे में काफ़ी वीडियो से बात कर रहा हूँ। और दुनिया का जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है चिचेन इत्सा, वो यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सुबह सुबह बस मिल जाएगी। कल मैं उसी को ही घूमने जाने वाला हूँ। इस जुकाम के चक्कर में ना मैं थोड़ा लेट भी उठा, तो अभी वैसे दोपहर के भाई 2 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले अपने खाना खाने चलते हैं। अब दोपहर के टाइम पे ब्रेकफास्ट तो मिलेगा नहीं, दोपहर भी नहीं है भाई, अभी शाम को अप्रोच कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। तो ये इस टाइप की भाई कैंटीन टाइप है, लेकिन मेरा है ना थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है। अभी तक आप जो सेंट्रल अमेरिका की वीडियोस उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो कल्चर है वो सिमिलर है? तो भाई देखो ये है मैक्सिको में जहाँ पे मैं अभी हूँ वायदोलित, ये है मैक्सिको युकातान रीजन। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रह जाती है। इसके बाद ये चिचेन इत्सा को देखने के बाद आई थिंक मेरा अगला जो प्लान है वो मैक्सिको सिटी की तरफ जाने वाला प्लान है। ये बंदूकधारी हर जगह मिलेंगे क्या आपको इधर लैटिन अमेरिका में? अच्छा नहीं, ये आई थिंक पैसे जा रहे हैं इसके, इसको लूट लूं क्या मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे यूट्यूब आजकल चल नहीं रहा, मेरे को लग रहा है बैंक ही लूटना पड़ेगा मुझे, जिस हिसाब से ट्रैवलिंग में खर्चे हो रहे हैं। मुझे लगा था कि मैक्सिको बाकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की तरह ही सस्ता होगा, लेकिन मैक्सिको सस्ता नहीं है। मैक्सिको के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट आप कोस्टारिका से थोड़ा सा सस्ता मान लीजिए, आप ग्वाटेमाला निकारागुआ होंडुरस काफ़ी सस्ते थे इन कंपेरिजन टू मैक्सिको। और बाकी वही सेम डिज़ाइन देख लेना आप, ये सेंटर है का, तो चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी इस टाइप में, उधर हो गई ये वाली हो गई, एक उधर होगी, बीच में आपको पार्क मिलेगा और एक कैथेड्रल मिलेगा। तो जो वायदोलित का कैथेड्रल है वो उधर है, उसी की तरफ मैं जा रहा हूँ। कल रात को जब मैं आया था ना, तो इस कैथेड्रल के ऊपर भाई लाइटिंग अच्छी खासी हो रखी थी, तो वो वाला जो सीन है ना, ये आप कहीं पे भी चले जाइए, अभी तक जो मेरा सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको के अंदर जो एक्सपीरियंस आ रहा है ना, एक कैथेड्रल, बीच में सेंटर और उस सेंटर के बाहर पार्क, वहाँ लोग बैठे रहेंगे, कबूतर मिलेंगे, डिट्टो भाई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो कैथेड्रल है ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। वैसे भाई ये हाईली टूरिस्टिक टाउन है, ये कनकुन और चिचेन इत्सा के बीच में पड़ती है, तो कनकुन जाने वाले भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर जो चिचेन इत्सा जाने वाले टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं। ओला बनस्तारदिस, मतलब आई थिंक गुड आफ्टरनून। एक छोटा सा कैफे है,
रोड क्रॉस कर ही लेता हूँ। इस कैफे पे कॉफ़ी पी के स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आगे की तरफ चलेंगे। सेफ्टी के मामले में इस टाउन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे यार मेक्सिको थोड़ा नोटोरियस तो है। अब की बार तो जो अपना मिर्ज़ापुर है, जो अपने इंडिया में प्राइम वीडियो पे मिर्ज़ापुर रिलीज़ नहीं हुआ था, उसमें भी रेफरेंस दिया था चलो मेक्सिको चलते हैं, फिर बाद में बोलता है रे मिर्ज़ापुर चलते हैं बे। तो मेक्सिको को बदनाम अच्छा खासा कर रखा है, और कुछ बातों में बदनाम भी है। अगर आप दुनिया में देखोगे तो दुनिया की जो टॉप 5 मोस्ट डेंजरस सिटीज़ हैं उनमें से मेक्सिको की 3 सिटीज़ आती हैं। एक होंडुरस की होगी जो कैपिटल है तेगुसिगाल्पा, और बाकी जो मेक्सिको का सबसे खतरनाक रीजन है जहाँ पर कार्टल्स ऑपरेट करते हैं वो सिनोलोआ रीजन हो गया, और ग्वालालाहारा के आसपास वो जो रीजन हो गया वो। लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा सेफ है बिकॉज यहाँ पर टूरिज़म इकोनॉमी अच्छी खासी है, और अगर सेफ्टी नहीं होगी तो भाई टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे नहीं। तो यहाँ पर भाई मैं कल रात को 11-12 बजे के आसपास भी घूमा था अकेला, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये है भाई यहाँ का सेंट्रल कैथेड्रल ऑफ वायदोलिद। वैसे स्पेलिंग है वायदोलिद की VLLADOLID, लेकिन स्पेनिश के अंदर और ख़ास करके मैक्सिकन स्पेनिश के अंदर डबल एल को या प्रोनाउंस करते हैं तो ये वायदोलिद बन जाता है। अभी तक जो मैंने कैथेड्रल देखे थे सेंट्रल अमेरिका के अंदर, उनके अंदर है ना पत्थर थोड़े अलग यूज़ होते थे और उनका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग था, लेकिन मैक्सिको वालों का है ना मेरे को डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा हिस्टोरिकल लग रहा है। ये मेरी एंट्री होगी कैथेड्रल के अंदर, लेकिन अंदर से उतना सुंदर नहीं है। जो सेंट्रल अमेरिकन कैथेड्रल थे वो मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे अंदर से। हो सकता है कि ये अकेला इकलौता से कैथेड्रल हो, बाकी ज़्यादा अंदर से फिनिशिंग अच्छी खासी हो, लेकिन जो हॉलवे है ना भाई ये बड़ा प्यारा है, बहुत ऊँचा है। लोग अपने इधर मन्नतें मांगने आ रखे हैं। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ के खाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, और जो अभी तो टाकोज और नाचोज जो खाते आ रहा था वो बेसिकली यहीं पे ईजाद हुए थे भाई। और यहाँ पे खाने के अंदर जो मिर्ची विर्ची है वो एकदम अपने इंडिया लेवल टाइप होती है, तो वो खाने में मज़े आएंगे। और अभी तक जितना भी खाया ना खाना, जो कल से मैं परसों से जब से मैंने एंट्री ली तब से खा रहा हूँ, तो भाई मेरे को मैक्सिको का खाना सच में बड़ा प्यारा लग रहा है। ये जो जगह है आपको किस चीज़ की याद दिला रही है? मेरे को ना थोड़ी थोड़ी उसकी याद दिला रही है, लियोन और एंटीगुआ, सिमिलर सा ही डिज़ाइन है इनका। वैसे आसपास यहाँ पे ना सिनोते भी बहुत पड़ते हैं, सिनोते काइंड ऑफ सिंक होल होता है जिसके अंदर आप थोड़ी जंपिंग वम्पिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ मेरा जाने का मन नहीं आ रहा। जब वहाँ जाऊँगा तो जुकाम मुझे पता है ज़्यादा पंगे कर देगा मेरे साथ, और पानी में डुबकी लगाऊंगा तो देखता हूँ अगर कल या परसों तक ठीक हो गया जब मैं उधर चिचेनी से घूमने की तरफ जाऊँगा तब उन सिनोते को भी देख लूँगा, वरना फिर यार बाद में देखेंगे। बोला स्ट्रीट फूड ढूंढ रहा हूँ मिल जाए तो, पर यहाँ ना मेरे को भिखारी ठीक ठाक दिख गए यार, इसके पीछे कारण क्या है? वैसे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये मेक्सिको का सबसे पुअर एरियाज में से भी एक है। अरे हाँ ये रे टाकोस। ओला अमिगो, ओला टाकोस सी यहाँ पे भाई टाकोस खा रहा हूँ मैं, 3 टाकोस ले रहा हूँ, पैसे तो पड़े हैं ना मेरे पास, हाँ 150 है। कैश मैंने विड्रॉ ही नहीं किया, जो कल मैंने एक्सचेंज कराए थे ना उन्हें से ही काम चला रहा हूँ, कल सुबह विड्रॉ करूँगा वहाँ जाने से पहले, तो कैश होगा ठीक होगा मेरे पास। अमिगो एग्वानो ओनली दिस मीट, यहाँ पे है ना यार चिकन नहीं मिल रहे इनके पास, इनके पास है ना पोर्क वाले ही हैं। ये आ गए मेरे टैकोस, मुचा ग्रेसियस पिकांते। ये है भाई मेरे टैकोस, और ये है यहाँ का स्पाइसी सॉस। स्पाइसी सॉस गले के लिए, जब आपका गला खराब होता है तो अच्छा होता है, गंदा होता है? मस्त है भाई। और यहाँ पे ना ये सिरके वाले प्याज मिलते हैं, विनेगर वाले, इनका टेस्ट भी खतरनाक होता है, मस्त भाई। इसका जो सॉस है ना ये वाला और ये वाला टेस्ट बड़ा मस्त लग रहा है इनका एकदम। जो अपने नागालैंड में चिली नहीं होती है किंग चिली, या फिर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह होती है, उनके अलग अलग नाम है, असमीज में उसे भूत झोलकिया बोलते हैं, तो यहाँ की मिर्ची एकदम वैसी है।
मेक्सिको वाले है ना डिबेट करते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक मिर्ची है वो इनकी है, और अपने नागालैंड वाले भाई बोलते हैं कि उनकी है, तो इन दोनों के बीच में ना कंपटीशन चलता रहता है। आप मुझे बताना कि सबसे खतरनाक मिर्ची कहाँ की है, नागालैंड की या मेक्सिको की? भाई अभी है ना मेरे जलन होने लगी है मुँह के अंदर, मैंने ना मिर्ची ज़्यादा ही डाली थी ये वाली। ग्रासेस अमिगो, अमिगो क्वांटो और अबीर तो ये तो इनके पास है ना पोर्क वाले टैकोस थे। मैंने बोला कि यार आप ये बताओ कि मुझे चिकन वाले टैकोस कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने चिकन यहाँ पे इतना फेमस नहीं है यार, फेमस नहीं, लोग इतना खाना पसंद नहीं करते, खास करके इस एरिया के अंदर लोग है ना वो ज़्यादा खाते हैं पोर्क। लेकिन भाई सच में कुछ भी कर लो, जब तक जो टैकोस मैं ट्राई कर रहा था ना, मैं ही नहीं कह रहा कि बाकी कंट्रीज में अच्छे नहीं बनाते, यहाँ पे अंदर तक मेरी आत्मा को वो मिल रही है कि खुशी सी, लेकिन मिर्ची इतनी तेज है, साथ में जुकाम हो रखा है उसके कारण पानी आ रहा है, और वो मिर्ची इतनी तीखी खा ली कि और ज्यादा पानी आने लग गया। अरे बाप रे, अब ऐसे ही कॉफी पीने का टाइम है। ओला ओला, ये वापस से अपने इस कैथेड्रल की तरफ आ गए। यार आप लोगों ने ना एक मूवी देखी होगी, डिज्नी की है, डिज्नी और पिक्सार स्टूडियोज की आई थिंक, वो उस मूवी का नाम है कोको, उसका एक गाना भी बड़ा फेमस है, व्हाट कलर इज योर स्काई एम एम ओर यू डोंट टेल मी एम एम ओर करके उन पोको लोको। तो कोको मूवी का जो बैकग्राउंड है ना वो मैक्सिको से ही है, और इवन भाई जो नार्कोस तो देखा ही होगा आपने नेटफ्लिक्स के अंदर, जो नार्कोस का थर्ड और फोर्थ सीजन है वो नार्कोस मैक्सिको ही है, मैक्सिको में जो सिनोलोवा रीजन है दैट इज़ लाइक कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, तो सिनोलोवा रीजन, और वो भाई वो पूरा का पूरा एरिया ड्रग कार्टल्स के थ्रू कंट्रोल होता है, पर ऐसा नहीं यार कि पूरा मैक्सिको ही अनसेफ है ना, वो एक के दुखी एरिया है, और खास करके जो यूएस बॉर्डर टाउन है, क्योंकि वहाँ से जो ये अपने नशे वाले पदार्थ हैं वो मैक्सिको से यूएस की तरफ जाते हैं, बाकी हर जगह कोई दिक्कत नहीं है, और खास करके जिस एरिया में मैं हूँ युकातान में, यहाँ तो लोग भी बहुत ज़्यादा, वैसे लोग तो आई थिंक पूरे मैक्सिको में ही फ्रेंडली है जो अभी तक मैंने सुना है, लेकिन यहाँ के लोग मस्त लग रहे हैं मेरे को, और खास करके इस एरिया के अंदर जो आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे ना उनके अंदर वो डिसेंडेंट, ये यहाँ के लोग डिसेंडेंट हैं जो पुराने टाइम में जो माया सभ्यता थी, मायन लोग, तो यहाँ के लोगों की जो शक्ल है और यहाँ के लोगों की जो हाइट है ना वो डिफरेंट मिलेगी। इस एरिया में यार लोग बहुत छोटे छोटे हैं, इवन मैं ग्वाटेमाला और उधर सोच रहा था कि लोग काफ़ी छोटे हैं, मैक्सिको के इस रीजन में तो लोग और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, लड़का लड़की दोनों की हाइट सिमिलर सी है। ओला वेगा, ओला, आ गया हमारे इस कैफे के अंदर, जगह अच्छी है, यहाँ पे टैक्सी वैक्सी चलती रहती है, बीच में सेंटर हो गया और इधर बैठ के अपने खाना खाएंगे। इस नाक का क्या करूँ मैं, ¿Cómo estás, amigo? Español. I want to try. वो इंग्लिश में भी मेन्यू था लेकिन इंग्लिश वाला मैं लेना नहीं चाह रहा, अपने इसमें ट्राई करते हैं। एनसलादा, सैंडविच, पोक बोल्स, फाहिताज, कोकीना, युकोता, वेगेनो और बेबीदास, मतलब बेवरेजेस, इतना तो आपके भाई को पता चल गया है भाई आजकल। लॉस पोर्टालेस देसे एंत्राडस, तो अभी मेरे को पीनी है कॉफ़ी, कॉफ़ी में अपन लेंगे कैफे को लेचे। अमीगो, अमीगो कैफे को लेचे, सी कैफे कौन लेचे, सी सिनामन, सी सिनामन, मिरर इंग्लिश इंग्लिश मैंने, ओके ओके, कैफे कौन लेचे, ग्रेसियस। सुपर मार्केट में मैंने वो कॉफ़ी देखी थी दालचीनी वाली, सिनामन वाली, वो सोच रहा था मैं, पर इनके पास वो है नहीं शायद, तो मैं अभी दूध वाली कॉफ़ी पीऊँगा। कॉफ़ी कौन लेचे, कैफे मतलब कॉफ़ी, कौन मतलब विद, एंड लेचे मीन्स दूध। आपकी स्पेनिश की सुपर क्लास ले लूँगा मैं। पी ली है भाई कॉफ़ी मैंने, और ये कॉफ़ी मुझे कॉस्ट करी 214 रुपए की, 50 पैसोस, जो मैक्सिको की करेंसी है दैट इज़ पैसोस, मैक्सिकन पैसोस, और 1 मैक्सिकन पैसोस इक्वल्स टू 4.3 इंडियन रुपीज़। तो जहाँ पे मैंने खाना खाया था वहाँ मैंने पे किए थे 60 पैसोस,
तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 64 जा 240, लगभग 260 रुपए के आसपास वो 3 टाकोज आए थे, और अभी मैंने कॉफ़ी पी है ये 214 रुपए की आई है, तो लगभग 450 रुपए खर्च कर दिए हैं, और 540 रुपए मैं डेली मेरे हॉस्टल के पे कर रहा हूँ। तो अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं मिलेगी, खाना एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो टूर है और जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो काफ़ी महंगी। जुकाम ज़्यादा ही हो रहा लग रहा है मेरे को, ये सिनोटे विनोटे वाला सीन मेरे को कैंसिल ही करना पड़ेगा। एक जो सिनोटे वो सिटी में पड़ता है वो देखने जा रहा हूँ अभी। ट्रांसपोर्टेशन है ना मैक्सिको में अभी तक जो मैंने देखी है वो थोड़ी लग्जरी टाइप वाली बस ही है, जो अपने इंडिया में वोल्वो और जो एसी बसें जाती है ना वो वाली देखने को मिलेंगी आपको, थोड़ी जो इकोनॉमिकल होती हैं रोडवेज टाइप, जो अभी तक मैंने सेंट्रल अमेरिका में देखी थी जो ग्वाटेमाला में चिकन बसेस थी वो मैक्सिको के अंदर मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी तक देखी नहीं है मैंने। जो मिनी बसेस भी हैं वो भी थोड़ी सी नई टाइप की दिखती है, तो वो थोड़ा जो ट्रैवलिंग जितनी सस्ती सेंट्रल अमेरिका में थी यहाँ पे नहीं होने वाली। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको एक साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, इस आइडिया को ड्रॉप कर देना, और आपको है ना डाइवर्सिटी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। अब सिमिलर सी चीज़ें होने लग गई है, पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज भी सेम, खाना बेटर है सच में, मैक्सिकन खाना खा के मम्मा मी है एकदम वैसा हो रहा है, बाकी इतना डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। भाई आज है ना यार कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसा सेंट्रल अमेरिका में है ना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रैवल कर लिया, कल भी मैंने कुछ नहीं किया, कल तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, कल मैं वहाँ से चेतुमल से बस लेके आया था, और आज भी है ना बस पड़ा रहा है कुछ ना कर। भाई ये वाली भी जरूरत पड़ती है ट्रैवलिंग के टाइम पे, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूस ट्रैवल कर लोगे तो मज़े भी आ जाएंगे, एक तो यार क्या हो गया है कि सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, तो वो एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो रही है मेरी मैक्सिको को लेके। पहले मैं मैक्सिको लेके कल तक एक्साइटेड था, लेकिन यहाँ पे आके देखा मैं यार सेम सा ही माहौल लग रहा है यहाँ पे भी। कल मुझे अपने कैलाश भाई भी मिले थे इंडो ट्रैकर, तो कैलाश भाई भी बता रहे थे कि यार वो ऊपर से आ रहे हैं, वो अभी यूएसए से मैक्सिको से पूरा करते हुए आ रहे हैं, बोलते यार भाई एक टाइम के बाद है ना थोड़े से बोर से होने लग जाओगे आप, मतलब कोई बात नहीं यार मैक्सिको में तो मैं शायद नहीं होऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचा ना तब यार मैं नहीं शायद हो जाऊँगा, मैं देखते हैं अब कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ट्राई तो मैं करूँगा लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आज धूप भी प्यारी लग रही है मुंह के ऊपर, बेलीज के अंदर मैं लिफ्ट लेके उस दिन पहुंचा ना, अच्छा खासा सनबर्न हो गया था। यहाँ पे रात के टाइम पे है ना एक शो होता है जो कैथेड्रल आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा ना उसके ऊपर, तो शाम के टाइम पे जाएंगे वहाँ पे देखने, अंधेरा होने के बाद कुछ शो टाइप होती है, लाइट शो होता है, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी हो रहा है, जाके आते ही हैं। साफ सफाई अच्छी खासी है यहाँ पे, और भाई मैक्सिको को लेके मैं एक्साइटमेंट का वो एक और कारण था नार्कोस, मैंने नार्कोस देखा है, और मैं एक गेम खेलता था टोटल ओवरडोज, आप लोगों को याद होगा, तो टोटल ओवरडोज का पूरी की पूरी पृष्ठभूमि मैक्सिको से रिलेटेड ही थी। अरे कोई कल्चरल डांस चल रहा है यहाँ पर, अगर आपको ढंग से मैक्सिकन कल्चर को समझना है पुराने मायन कल्चर के साथ, तो ये वाला एरिया सबसे मस्त है यूकोतान, इनके पास खुद की अच्छी खासी हिस्ट्री है, और जो कॉलोनियल हिस्ट्री भी है ना मैक्सिको की भाई, क्योंकि मैक्सिको भी स्पेनिश एम्पायर का ही पार्ट था एक टाइम पे। ये टकेला है क्या ऊपर? एक्सक्यूज मी प्रोफावर, टकेला सर्वेजा, ओके ग्रासियस, सर्वेजा बोले तो बियर बोलते हैं इसको स्पेनिश में, सर्वेजा इज बियर। पियेंगे या नहीं पियेंगे ये? आई थिंक पीने वाले हैं। ड्रेस देख रहे हो अलग सी है यार। सालसा है बचाता है ये, आप पैरों की मूवमेंट देखिए। मैं भी कर सकता हूँ ये बोतल सर पे रख के। अच्छा भाई से बोतल टूट गई है। पर ऐसा माहौल अभी तक मैंने किसी भी सेंट्रल अमेरिका की जो सिटीज थी उनमें नहीं देखा था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, मे बी यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा है इसलिए हो सकता है, इतने टूरिस्ट भी नहीं देखे थे अभी तक मैंने किसी भी कंट्री के अंदर। और यहाँ पे पार्क के अंदर है ना आपको एक यूनिक चेयर और देखने को मिलेंगी, ये देखिए ये लोग बैठे हुए हैं ना, इन चेयर्स को यहाँ पे किसिंग चेयर बोलते हैं, तो दो बंदे जो आपस में बैठेंगे एक दूसरे का चेहरा सामने से देख सकते हैं एकदम अपोजिट साइड में, वो जैसे वो भाई बैठे हुए हैं दोनों ऐसे, तो इसे किसिंग चेयर बोलते हैं। मान लो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सामने वाला बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, हम आपस में डायरेक्टली बात बात भी कर सकते हैं, और पप्पी वप्पी लेनी तो बंदे की सॉरी बंदे की नहीं नाने भाई बंदे की पप्पी
बाकी आपको एक बात तो पता ही होगी यार, मैक्सिको की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करना भूल गया था, करते हैं अभी। मैक्सिको को जैसे जस्ट लाइक अदर जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, मैक्सिको को भी स्पेनिश से आज़ादी मिली थी 1821 में। लेकिन मैक्सिको की आज़ादी मिलने के बाद है ना, मैक्सिको का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके साथ, यूएसए के साथ। और मैक्सिको की जो काफ़ी स्टेट्स थी, जैसे टेक्सस हो गया, न्यू मैक्सिको, मैक्सिको और यूएसए बॉर्डर के आसपास जितनी भी स्टेट्स हैं, कोलोराडो और ये सब, एक टाइम पे मैक्सिको का पूरा पार्ट हुआ करती थी। लेकिन यूएसए के साथ लड़ाई में भाई यूएसए इन स्टेट्स को ले गया मैक्सिको से। अब ये वाली जो स्टेट है ये यूएसए का पार्ट हो गई है। जो यूएसए के अंदर नार्को ट्रैफिकिंग हो रही है भाई, ये जो नशीले पदार्थ मैक्सिको से जा रहे हैं, यूएसए ने मैक्सिको के साथ कभी गलत नहीं किया। यूएसए ने आधी स्टेट चुरा ली मैक्सिको की, नहीं मैक्सिको और बड़ा हुआ करता था। ये वाली एक दुखती स्टोरी है मैक्सिको की, काफ़ी लोगों से मैंने सुनी भी थी। मैं ये बात आप लोगों से करनी भूल गया था। मैं यार मैक्सिको की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, इनके पास बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, इनके पास कॉलोनियल हिस्ट्री भी है, और इनके पास जो कॉलोनाइजेशन के बाद जब स्पेनिश यहाँ से छोड़ के गए उसके बाद की भी हिस्ट्री अच्छी खासी है। तो अमेरिका ने हर जगह डंडे कर रखे हैं भाई, अमेरिकाज़ में क्यों, हर जगह ही कर रखे हैं यार इन्होंने। अभी तक जितनी भी मैंने मैक्सिकन सीरीज़ देखी थी, मैक्सिकन मूवीज़ देखी हैं, वो जो नॉर्मली उनमें जो शक्ल दिखती है बंदों की, वो वाली शक्ल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनके ऊपर मायन कल्चर का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और लगभग भाई बंदे आके ना क्यूट से हैं, छोटे छोटे भाई। रूम में जाके कर लो ये सारी चीज़ें, सिंगल बंदे दुखी हो जाते हैं इस वीडियो को देख के। मैं तो सिंगल नहीं हूँ लेकिन बोला से कैफे ओनली आइसक्रीम कैफे दोंदे इस्ट अकी ना वेंटा क्रो के पुएस दोंदे इस्ट ओके ग्रेसियस दिस साइड थैंक यू। आगे बस स्टैंड पड़ता है, एक बार वहाँ पे जाके मेरे को एक दो बस का भी पता करके आना है, क्योंकि कल सुबह सुबह मैं चेचेन हिस्सा के लिए निकल रहा हूँ। अमेरिकन टूरिस्ट और यूरोपियन टूरिस्ट आपको यहाँ पे काफ़ी दिख जाएंगे। भाई कितनी ज़्यादा टूरिस्टों वाली बस हैं, तीन इधर दिख रही हैं, चार पाँच छः सात, टोटल सात बस मेरे को अभी यहाँ पे सामने दिख रही हैं। कल चेचेन हिस्सा जाऊँगा तो कितनी भीड़ मिलने वाली है मेरे को। भाई अब तक मैंने किसी भी कंट्री में यहाँ पे इस ट्रिप में इतने टूरिस्ट कभी नहीं देखे थे जितने मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ये अपना अमी को क्या बेच रहा है, ठंडी चीज़ बेच रहा है यार, ठंडी तो गला ही ख़राब करेगी। वो डांस दारू वाला अभी भी चल ही रहा है, अब की बार भाई ने नई दारू की बोतल रख ली। अरे पटाखे अच्छा वाला है क्या, अरे नॉर्मल पटाखे हैं यार। कल शाम को भाई यहाँ पे है ना बहुत अच्छे वाले आतिशबाजी हुई है अच्छी खासी, आज भी मेरे को उम्मीद है, लेकिन यार वो नॉर्मल पटाखे बज रहे हैं, आवाज़ वाला कोई डिस्प्ले हो ही नहीं रहा। डेली है ना ये जो कैथेड्रल दिन में आपने देखा था, इसके ऊपर कोई ना कोई रात के टाइम पे इसके ऊपर लाइटिंग का कोई वो होती है, प्रोजेक्शन दिखाते हैं इस यकातुन एरिया के बारे में, युकातान के बारे में। भाई जो जुकाम था ना वो बढ़ता ही जा रहा है, मैं सोच रहा था गर्म पानी नहीं पी के आराम मिल जाएगा, मेरे को इन सिनोते के अंदर स्विमिंग विमिंग करनी थी, अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आओ ये भाई इनके सेंट्रल कैथेड्रल में पहुंच चुका हूँ। अभी दो मिनट पहले ना यार मैंने ओवर रिकॉर्डिंग की थी, यहाँ पे कई बंदे क्या कर रहे थे, हाथ से है ना रॉकेट पकड़ के फोड़ रहे थे, लेकिन गलती से है ना मेरा माइक ऑन करना भूल गया था तो वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ पे ना डेली प्रोग्राम होता है, लोग यहाँ पे गाने वाने बजाने आते हैं, डांस वांस कर रहे हैं अलग अलग। पता है क्या पंगा हो गया था यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो माइक ऑन करना भूल गया, लेकिन आप ये क्लिप देखिए भाई, ये बंदे क्या कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट से ना रॉकेट जला रहे थे, हाथ में पकड़ के सीधा छोड़ दे रहे थे। मैं भाई अंकल जी करके आ रहे हो आप, ये बंदा ही पेल दोगे आप तो ऐसे। भाई एक है ना अंकल जी हाथ से नीचे गिर गई, लेकिन वो शुक्र वो जली नहीं, अगर मान लो जल जाती तो किसी न किसी वो गोलमाल वाला सीन हो जाता, पटाखे फोड़ने वाला। तो ये है भाई जो दिन में आपने कैथेड्रल देखा था, रात के टाइम पे यहाँ पे ना शो होते हैं, इस टाइम पे लोग डांस वांस करने आते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसको फंड कौन करता है या फिर ये लोग यहाँ पे डेली का इनका कस्टम बना हुआ है। और कल रात को एक चीज़ और देखी थी मैंने, इस कैथेड्रल के ऊपर लाइट शो होता है, प्रोजेक्शन लगा के
कुछ ना कुछ दिखाते हैं, जो भी इस एरिया की हिस्ट्री है वो सब, फिर चाहे वो कॉलोनियल हिस्ट्री हो या फिर बाकी हिस्ट्री हो। मैं खाने को ढूंढते ढूंढते हुए घूम रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ मिल जाए। क्या है ये? मक्का है यार। मक्का तो नहीं खाना मुझे, इनसे चिकन टैकोस खाने हैं। ओला कॉमो स्टास पोयो टैकोस दोंदे इस्त पोयो पोर के नो क्वांटो मिनट ते पोर्को ग्रेसियस। मैं यहाँ पे एक दीदी उनसे पूछ के आया हूँ यार कि चिकन टैकोस कहाँ मिलेंगे, मिल ही नहीं रहे यार चिकन टैकोस। दिन में भी मैंने पोर्क टैकोस खाए थे, पोर्क यार मैं खा लेता हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं तो चिकन प्रेफर करता हूँ या फिर मटन या फिर फिश। और भाई ये जुकाम पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। वैसे कल सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कल मैंने है ना एक यूनिक जर्नी बुक की है ट्रेन की, कल दोपहर की मेरी ट्रेन है जो मुझे चिचेन इत्सा छोड़ेगी। तो कल दो एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, एक तो है यहाँ की मेक्सिको की ट्रेन, यूँ मान लीजिए वो इकलौती ट्रेन है। ऐसे इक्की दुखी ट्रेन और एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इतनी ढंग की नहीं है। इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद इनके पास ट्रेन नहीं है यार, ये अचंभे की बात लग रही है मेरे को। लेकिन पर कोई नहीं, ठीक है जो भी है यार। मेरे पास सिर्फ अब KFC ऑप्शन बचता है। KFC नहीं, नहीं यहाँ पे एक और कैफे था उसमें जाके खा सकता हूँ, वरना ये यहाँ का बस टर्मिनल हो गया भाई जिसमें कल आया था मैं। अरे वहाँ पे एक और बंदा दिख रहा है, शायद वहाँ पे मिल जाए मुझे टैकोस। ठीक है मछली है कुछ हो रही है भाई। स्ट्रीट फूड का कल्चर वैसे यहाँ पे अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस टाइप की बस है भाई यहाँ पे, आप देख लो जो लोकल बसेज आपने वहाँ पे देखी थी ना ग्वाटेमाला में सेंट्रल अमेरिका में, वो वाली बसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। थोड़ी लग्जरी टाइप की फीलिंग ज़्यादा है, तो इसी कारण से मैक्सिको जो मैं सोचता था ना बहुत सस्ती कंट्री होगी ट्रैवल करने में ना, जो अभी तक मेरा इंप्रेशन नहीं कह रहा, नहीं इतनी महंगी नहीं है लेकिन इतनी सस्ती भी नहीं है। क्या इस भाई के पास टैकोस? पोयो टैकोस पोयो पोर्को पोर्को पोयो टैकोस दोंदे इस्त पोयो टैकोस दोंदे क्वांटो मिनट मुझे ग्रेसियस। म्यूजिक अच्छा है भाई, नाचने का मन कर रहा है। मेक्सिको। अच्छा यहाँ से मिनी बस भी जाती है चिचेन इत्सा की, वायादोलिद से आप चिचेन इत्सा 40 के परसोना 40 पैसे लगेंगे। अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है उसमें, लेकिन ठीक है मेरे को तो एक एक्सपीरियंस करना था अगर। लेकिन आप यहाँ पे आते हो ना तो वायादोलिद से आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रेन आप ये टैक्सी लेके चले जाना, 40 पैसे में आपको डायरेक्ट वहीं पर ही पहुँचा देंगे, 10 जगह मुँह नहीं मारना पड़ेगा आपको। अभी को दोंदे इस्त पोयो टैकोस पोयो Taco de pollo. Ne, por qué? Tacos de pollo está buscando. No, es Mr. Tacos. ¿No? Tacos de pollo, porque no, no ellos no comen carne de puerco. Ellos comen solo de. Ni, por qué? Ni, no. En el centro. No, 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 no parque, no. ¿No quieres en el parque? Oh, ¿qué? Okay. ¿Cerca del mercado? En el mercado. Oh, sí, mercado. Sí, sí, solo ok. Ahí, solo ahí, pues, solo ahí, ¿eh? Solo ahí, porque en los demás lugares solo puerco y res. Ok, muchas gracias, amiga. Muchas gracias, amiga. ये भाई कह रहे हैं भाई आगे जो सेंटर के पास है ना एक छोटा सा मार्केट पड़ता है वहीं पे मिलेंगे, बाकी उसके अलावा कहीं पे भी चिकन टैकोस नहीं मिलते। वो भाई कह रहे थे आगे मिल जाएगा, पर वो टैकोस वाला भाई उसको तो पता होगा, पता नहीं यार कई बार बंदे पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। और इतनी मेरे को स्पेनिश आती है, मैं हाँ हु ही करके निकल आया हूँ आगे। अपने यहाँ पे एक और इंडियन भाई, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनसे भी मैं कल ही मिला था कैलाश भाई के साथ ही। कैलाश भाई तो अब निकल चुके हैं, बेलीज पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक और जगह है, इस जगह का नाम भूल गया मैं, लेकिन ये जगह भी बड़ी प्यारी है और यहाँ पे है ना भी लाइट शो होने वाला है। ये जो भाई हैं ये हैं अपने यूपी से, गोरखपुर से, लेकिन ये रहते कोलंबिया में हैं। ये इनका कोई पुराना कैसल है। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है ना ये तारा सा, ये इधर ये वाला, ये भाई जुपिटर है। कितने दिनों बाद जुपिटर को देखा है मैंने यार, ये चीज़ ही भूल गया था मैं। कहाँ शहरों के चक्करों में फंस रहा है दीपांशु, ढंग से ट्रैवल कर। जगह अच्छी है यार, ये पार्क है, एक कोर्स है, जो मेन कैथेड्रल था ना उसी वाली थोड़ी जगह अलग है। ये क्या कॉलोनियल टाइम का ये क्या? बर्नार्डिनो दे सियेना, मतलब कि कैथेड्रल नहीं है ना ये?
नहीं कैथेड्रल नहीं है ये। तो भाई यहाँ पे हम है ना ये लाइट शो देखने आए थे। लाइट शो ये देख लीजिए 9:30 हो गए हैं। 9 बजे लाइट शो होना था आई थिंक मंडे के कारण यहाँ पे आज हो नहीं रहा है। अपने अनमोल भाई को यहाँ स्पेनिश बोलनी आती है तो यहाँ पे हम एक काइंड ऑफ क्या है यार क्या बोलते हैं नाम भूल गया फिर से मैं। मार्केसीतास वैफल की तरह अमीगो फ्रूता प्लस उन इंग्रेडिएंट चीज नो वो इंग्रेडिएंट बताना पड़ेगा क्या क्या चाहिए आप यार आप देखो बिना चीज के कर रहे हो। तीन एस्प्रेसो हाँ सही चलेगा और इंग्रेडिएंट्स में क्या डलवाना भाई कुछ मतलब पीनट बटर है ये है आपका स्ट्रॉबेरी जैम स्ट्रॉबेरी जैम ये है आपका कंडेंस्ड मिल्क हर्शेस स्ट्रॉबेरी जैम ले लो दो के साथ एक के साथ एक इंग्रेडिएंट दो इंग्रेडिएंट एक या दो के साथ ले लो दो के साथ हाँ हाँ ओके प्लाटानो कॉर्न न्यूटेला की जैम 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 हाँ मार्मेलेडा द फ्रेसा ये लेचेरा गोरखपुर का लौंडा है अपने योगी जी के उधर से। कितना टाइम हो गया आपको इधर लैटिन अमेरिका में? 4 साल 4 साल से। भाई से पूछना आज होगा या नहीं होगा? नहीं बोला नहीं होगा आज नहीं होगा ट्यूसडे कैंसिल कर रखा है आज ट्यूसडे हो गया है चीज चाहिए एक यहाँ का लोकल चीज है कैसे बोला चाहिए यार डाल दो थोड़ा सा ये वाला डालना है ट्राई करना देख लो अगर सही लगे एक बार सूंघने दे ना 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 आप सॉरी यार आप आधे में डलवा लो फिर पक्का कोई दिक्कत नहीं है कितने लेके आ रहे हो भाई आज हम देखने गए थे वो लाइट शो और हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से मोस्टली वीकेंड पे ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए तो उसको मंडे को रेस्ट कर देते हैं बंद कर देते हैं। आज मंडे या ट्यूसडे है? आज मंडे मंडे है ना भाई अपने अनमोल भाई दूसरे हॉस्टल में रुके हुए हैं। आप कौन से वाले में हो? यहाँ से एक ब्लॉक है उसका नाम क्या है गोकामाजा एक बर्ड होती है ना वो जो पैरट रंग अच्छा वो जो ताली बजाते हैं वहाँ पे लंबी पूछ वाली होती है एक गोकामाजा होता है वो होता है पैरट की तरह होता है बस बहुत कलरफुल होता है बड़ा होता है साइज में उसको गोकामाजा बोलते हैं है। भाई गलियां एकदम खाली हो गई अनमोल भाई अपने जा रहे हैं हॉस्टल बाय 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 अनमोल भाई चले गए अपने हॉस्टल के अंदर और मैं भी अब आ गया हूँ अपने हॉस्टल में पता नहीं यार भाई ये जुकाम कब ठीक होगा और अब मैं भी अब हॉस्टल में जाके सोने वाला हूँ मेरे कल वो ट्रेन भी वो करनी है रात के 10 बज गए हैं और फिर कल चचेनिचा भी जाना है तो यही था यार मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मैक्सिको आराम ढंग से करना पड़ेगा यार आज कुछ किया ही नहीं मैंने ज़्यादा स्पेशल घूमा ही इधर से उधर पहला दिन थोड़ा फ्लो में जाने दे रहा हूँ आराम करके कल देखेंगे फिर अब चलो तो यार मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बस यार इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए आबाद रहिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ हॉस्टल एक्सेल्फ।